जनपद मुजफ्फरनगर के थाना छपा क्षेत्र के गांव खुड्डा में देर रात बदमाशों ने घर में चोरी करने का प्रयास किया। इस दौरान शोर होने पर जब बदमाश फरार होने लगे तो घर के ही एक सदस्य ने उनको रोकने की कोशिश की, जिस दौरान बदमाशों ने उस पर फायरिंग कर दी और उसे मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरनगर जनपद के छपार थाना क्षेत्र के गांव खुड्डा में देर रात अज्ञात बदमाशों ने एक घर में घुसकर परिजनों को बंधक बनाकर चोरी करने का प्रयास किया, जहां बंधक बुजुर्ग ने बंधन मुक्त होकर घर का मेन दरवाजा खोल दिया और शोर मचाना शुरू कर दिया। शोर सुनकर आसपास के लोग घर की तरफ दौड़े, तभी बदमाश वहां से फरार होने लगे, जिस पर एक युवक ने बदमाशों को रोकने का प्रयास किया तो बदमाशों ने युवक पर फायर कर दिया, जिसमें युवक घायल हो गया। घायल युवक को परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने युवक को मृत घोषित कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी मुजफ्फरनगर विनीत जायसवाल और छपार पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। वहीं एसएसपी ने एसजीओ सहित 5 टीमों का गठन कर जल्द मामले के खुलासे के निर्देश दिए हैं। दरअसल मामला छपार थाना क्षेत्र के गांव खुड्डा का है, जहां देर रात जरीफ और उसका पुत्र शादाब मकान में सोए हुए थे। तभी रात के समय दीवार फांदकर कुछ अज्ञात बदमाश मकान में दाखिल हो गए और जरीफ और उसके पुत्र शादाब को तमंचे के बल पर आतंकित करते हुए बंधक बना लिया। इसके बाद बदमाश जरीफ को नीचे बांधकर शादाब को अपने साथ ऊपर कमरे में ले गए और नकदी जेवरात चोरी करने लगे। वहीं किसी तरह जरीफ ने खुद को बंधन मुक्त किया और घर का मेन दरवाजा खोलकर शोर मचाना शुरू कर दिया, जिससे हड़बड़ाए बदमाश सामान समेटकर फरार होने लगे। शादाब ने एक बदमाश को पकड़ लिया और शोर मचा दिया, जिस पर दूसरे बदमाश ने शादाब पर फायर झोंक दिया और फरार हो गए। जब परिजन ऊपर आए तो शादाब को घायल अवस्था में देखा और फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने शादाब को मृत घोषित कर दिया। वहीं मामले की सूचना मिलते ही एसएसपी विनीत जायसवाल पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार से मामले की जानकारी ली। एसएसपी विनीत जायसवाल ने 5 टीमों का गठन कर जल्द खुलासे के निर्देश दिए हैं। बदमाश आ गए, मार पिटाई करी पहले, फिर बांध को तड़ा ऊपर चले गए, मार पिटाई करी। कितने लोग पहले मारी पिटाई करी, फिर उनकी करी, किसी वजह से आत्मा खुल गए मारे, मैं बाहर अलीगढ़ को रुक कर ले लिया। आज यार ना कुछ नहीं पूछा, उन्होंने वहीं लिखवाए थे, हमने जाकर था जी थाने में। बस घटनाक्रम तो ये जी 12:30 का टाइम था, वो पीछे से आए, जब पीछे से आए अंदर घुस के मकान में तो हमारा एक छोटा भांजा नीचे पड़ा हुआ था और हमारा बहन भाई, उन्हें दोनों को उन्होंने बंधक बनाया। तो जो भांजा था हमारा छोटा, उसे लेके ऊपर पहुँचे में उसे नीचे बांध के छोड़ दिया हमारे बहन भाई को और गेट खुलवाया और फिर ऊपर उन्होंने लूट मचाई करी, पैसा लूटा, जेवरात लूटा, सब कुछ लूटा। तो वो जो बहन था उसके कुछ ढीले हाथ भूत बंधे हुए होंगे, बीमार था आदमी, ये इसके हाथ खुल गए थे, इसने गेट खोल दिया बारे का, आवाज़ दी रुका दिया, तो वे होपलेक्स हो गए बदमाश भी, तो वे भागने की कोशिश करने लगे, भागने लगे वे। तो जब भागने लगे उनमें से एक रह गया, मतलब जो कूद रहा था दीवार फांदा था, उसकी टांग पकड़ ली उसने हमारे भांजे ने, तो दूसरा एक और ऊपर था दीवार पर उस टाइम पर उसने गोली चला दी उसको। अच्छा, गोली मार जी। हाँ, तो उन्होंने लूट भी करी यहाँ? हाँ जी, लूट भी करी, कम से कम 8-10 लाख रुपये की लूट है। हाँ जी। तो फिर जब आप लोगों ने पुलिस को चेंज की, पुलिस आई यहाँ पे? हाँ जी, पुलिस आई यहाँ पे। लगता है आबादी वाला क्षेत्र इस तरह की घटना हुई है जी? आबादी वाला क्षेत्र इस तरह की घटना हुई यहाँ? आबादी वाला कहाँ जी, जंगल पीछे ही है, साइड में जंगल है, जंगल है पीछे, आबादी है सड़क पे, सीढ़ी लगा के अंदर बड़े जंगल। घटना को अंजाम देने के लिए 8 आदमी थे। 8 जी हाँ। थाना छपार पर देर रात करीब 2 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र छपार के ही ग्राम खुड्डा में एक घर में कुछ अज्ञात चोर घुस गए। घर वालों के जागने और शोर मचाने पे वो चोर वहां से भागने लगे। तभी घर के एक सदस्य शादाब ने एक चोर को पकड़ने का प्रयास किया, जिसपे उस चोर के द्वारा एक तमंचे से फायर कर दिया गया, जो गोली शादाब को लगी और वो घायल हो गया। तत्काल परिजनों द्वारा शादाब को लेकर अस्पताल ले जाया गया, जहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। इस घटना की सूचना पर तत्काल थाना छपार पुलिस द्वारा, अन्य उच्चाधिकारियों द्वारा और मेरे द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया गया। परिजनों की लिखित तहरीर के आधार पर थाना छपार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस घटना के शीघ्र अनावरण के लिए मेरे द्वारा SOG एवं सर्विलांस टीम सहित कुल 5 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही इस घटना का सफल अनावरण किया जाएगा।